प्रीपोजिशन, हम देख रहे थे प्रीपोजिशन, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य उस दिशा में उदय होता है, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में क्या होता है अस्त होता है, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये अपने को पता है। अब यहाँ पर अपने को प्रीपोजिशन लगाना है तो हम कहेंगे सन राइजेज इन द ईस्ट, इन आएगा इन, क्योंकि मैं का उच्चारण कौन कर रहा है, इन कर रहा है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। द बुक इज लेइंग द टेबल, किताब पड़ी है किसके ऊपर, टेबल पर पड़ी है, यानी ऊपर पड़ी है, टेबल के ऊपर किताब पड़ी है, टेबल के ऊपर किताब पड़ी है, यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और किताब टेबल के ऊपर जब पड़ी होगी तो वो स्पर्श करेगी, इसलिए वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, ही नॉक द डोर, उसने दरवाज़ा या खटखटाया, तो दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे, ही नॉक एट द डोर, दरवाजे पर, ठीक है ना, निकटता बता रहा है, निकटता बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, तो ही नॉक्ड एट द डोर। शी पुट हर बुक, उसने किताब रखी द पिलो, यानी तकिए के नीचे, उसने किताब तकिए के नीचे रखी, यानी नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नीचे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर का प्रयोग किया जाता है, शी पुट हर बुक अंडर द पिलो, उसने किताब तकिए के नीचे रखी। ई सफरिंग फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, तो से का जो उच्चारण है वो प्रीपोजिशन फ्रॉम में आता है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, से का जो उच्चारण है वो किस में आ रहा है, फ्रॉम में आ रहा है। चिल्ड्रन जंप्ड द रिवर, नदी में बच्चे कूदे, कूदे मतलब बाहर से अंदर कूदे, बाहर से कूदे मतलब कैसी अवस्था हो गई, गतिशील अवस्था हो गई, कैसी अवस्था हो गई, गतिशील अवस्था में अंदर से बाहर के लिए हमने कहा था, वहाँ पर किसका प्रयोग कर देना है, इनटू का प्रयोग करना है, चिल्ड्रन जंप्ड इनटू द रिवर। शी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, तो ये सुबह जो हैज बीन आ जाए और सुबह आ गया, सुबह निश्चित है, निश्चित समय है, सुबह सुबह कोई होगी, दोपहर दोपहर कोई होगी, रात रात कोई होगी, तो निश्चित समय के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब क्या कर रही है, पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है। सोहन गोस मार्केट, यानी मार्केट की तरफ जा रहा है, किसी स्थान पर जाकर मिले तो वहाँ पर टू लगाना है, और अलग हो तो फ्रॉम का प्रयोग करना है, तो वहाँ गोस टू आ जाएगा, सोहन गोस टू मार्केट। तो इस प्रकार द सन राइजेज इन द ईस्ट लगा दिया, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल लगाया, ही नॉक एट द डोर लगाया, शी पुट हर बुक अंडर द पिलो लगाया, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर लगाया, क्योंकि से का उच्चारण था। चिल्ड्रन जंप इनटू द रिवर, कूदी है मतलब बाहर से अंदर जाना, इनटू का प्रयोग करेंगे। सी हैज बीन रीडिंग, निश्चित समय के साथ सिंस का, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करना है। सोहन गोस टू मार्केट, गति की तरफ जाकर मिल रहे हैं, तो वहाँ टू का प्रयोग करेंगे, इसलिए टू लगा दिया। अलग होने का भाव फ्रॉम बताएगा। ये नियमों के आधार पर ही हमने इन वाक्यों को देखा है कि कैसे अपने को प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तब मैंने लिख के बताया है कि इसमें ये आ रहा है, इसलिए इस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है। बस ये ध्यान यही रखना है कि वाक्य पढ़ने से उच्चारण के बाद आप पहचान सकते हो कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ये पढ़ के देखा तब अपने को पता लगा कि मैं का उच्चारण आ रहा है, सन राइजेज इन द ईस्ट, इस पूर्व में उदय हो रहा है, इसलिए हमने इन का प्रयोग कर दिया, और यहीं यहाँ इनटू का प्रयोग किया क्योंकि बाहर से अंदर कूद रहा है, गतिशील अवस्था है, तो वहाँ इनटू लगा दिया। तो ये अपने को जब हम उच्चारण करेंगे, वाक्य पढ़ना आना चाहिए, वाक्य पढ़ोगे तो उससे पता लग जाएगा वहाँ जहाँ अंडर आ रहा है, कहाँ पर सिंस आ रहा है, कहाँ टू लगेगा, कहाँ एट लगेगा, कहाँ ऑन लगेगा। ये वाक्यों के उच्चारण पर डिपेंड करता है कि आप उच्चारण किस प्रकार से वाक्यों का करते हैं, फिर आसानी से आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं।